शुक्रिया राजा जी। व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच बातचीत चल रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर जो बाइडेन ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम किया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनसे कहा कि वो नरेंद्र मोदी को बहुत पहले से जानते हैं, उनसे मिलने के इच्छुक थे। अब इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोरोना के खिलाफ जंग में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर और क्वाड के मामले पर जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उम्मीद पैदा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं और अमेरिका के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत के काम आ सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और गांधी जी का भी जिक्र किया। व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। करीब 1.5 घंटे के बाद दोनों ग्लोबल लीडर्स एक बार फिर मिलेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ रात 11:30 बजे क्वाड समिट में। लेकिन इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अहम बैठक चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ेंगे हमारे साथ। आप फिलहाल तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में दाखिल हुए, ओवल ऑफिस तक उनको एस्कॉर्ट किया गया और सबसे पहले उन्होंने विजिटर्स बुक में अपने विचार लिखे और उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां अमेरिका दौरा है आपको बता दें, और जिस तरीके से आज राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, ये तस्वीर आपके सामने है, इससे ही साफ जाहिर है कि दोनों नेता एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह परिचित हैं और दोनों के बीच एक रिश्ता है। एक पहले से दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला रहा है, जब राष्ट्रपति बाइडेन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और उस वक्त की बातों को आज दोनों नेताओं ने याद किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी याद दिलाया कि उस वक्त मेरी आपसे मुलाकातें हुई थी और मैं भारत भी आया था, और प्रधानमंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि उस वक्त जो बाइडेन के साथ उनकी जो विस्तार से मुलाकातें हुई उसमें जो भी उनका विजन दिखाई दिया उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रगति मिली। और अब ये तस्वीरें जो हैं एक बार फिर सीधी तस्वीरें आ रही हैं व्हाइट हाउस से, चूंकि 1.5 घंटे का से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तो शायद अब ये जो मुलाकात है वो ख़त्म होने की ओर है और प्रधानमंत्री मोदी शायद रवाना हो रहे हैं। तस्वीर में देखना पड़ेगा क्योंकि इसी गाड़ी में जो हैं प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में आए थे और अब शायद ये मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई है और भारतीय दल यहां से रवाना हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो शायद यहां से अब रवाना हो रहे हैं व्हाइट हाउस से। जी हां, देखिए सारी वही गाड़ियां हैं जो कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उनके काफिले में शामिल थी। ऐसा लग रहा है कि मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी है और यहां से वापस अपने होटल जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद उनको फिर व्हाइट हाउस आना है क्योंकि यहां पर अब क्वाड समिट होगा, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो यहां पर मुलाकात करेंगे। क्वाड का एक विस्तृत एजेंडा है तो ये समिट जो है फिलहाल जो बायलैटरल मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वैसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई है क्योंकि ये गाड़ी जो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका का और भारत दोनों के झंडे लगे हुए हैं, इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे। अब ये वहां से व्हाइट हाउस से निकल रही है, ये वहीं से ली गई तस्वीर है जहां से हमने पहले भी आपको दिखाया था जब पहुंचे थी ये सारी गाड़ियां। तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत और मुलाकात फिलहाल खत्म हो गई है। तकरीबन 90 मिनट तक ये मुलाकात चली। जी आए देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर निकले हैं व्हाइट हाउस से उस वक्त की तस्वीरें, और मीडिया के कैमरों की तरफ उन्होंने वेव किया और उसके बाद वो यहां से रवाना हो गए। और जैसा हमने आपको बताया थोड़ी देर बाद वो यहां पर फिर मौजूद होंगे, फिर लौटेंगे और उसमें भी अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। भारतीय समय के मुताबिक 11:30 बजे क्वाड की मीटिंग शुरू होनी है, यानी क्वाड समिट वो शुरू होगा, तो बहुत ज्यादा वक्त अभी नहीं है, बीच में 1.5 घंटे से भी कम वक्त उसमें है। तो ये मुलाकात खत्म हुई और आपने खुद देखा तस्वीरों में कि एक कामयाब मुलाकात थी। दोनों नेता एक दूसरे से के साथ बहुत सहज थे, बल्कि बहुत मैत्रीपूर्ण थे, एक दोस्ती सी नजर आई क्योंकि उनका परिचय दोनों का बहुत पुराना है। राष्ट्रपति बाइडेन ने काफी हंसी मजाक भी किया, वो भी हमने देखा, और अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं। दोनों नेताओं की अकेले में मुलाकात हुई, एक साथ जब 1-to-1 मीटिंग हुई वो एक हिस्सा था और उसके साथ जितने प्रतिनिधि साथ में गए थे वो भी आप देख सकते हैं पीछे दरवाजे से बाहर निकलते उन तमाम भारतीय डेलीगेशन के लोगों को, जिनमें विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
तो सभी लोग यहां से रवाना हो रहे हैं और डेलीगेशन स्तर की बातचीत भी हुई है। इसमें क्वाड के अलावा, क्वाड के जो मुद्दे हैं उनके अलावा भारत और अमेरिका के बीच जो और विषय हैं, जो साझा विषय हैं दोनों देशों के, उनको लेकर के भी बातचीत हुई है। और इससे पहले साफ कर चुके थे बिल्कुल राष्ट्रपति बाइडेन, जब उन्होंने ट्वीट किया था इस मीटिंग से पहले कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को होस्ट करने जा रहा हूं, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन की, हम क्लाइमेट चेंज की और कोरोना से कैसे निपटना है उसकी तैयारियों पर बात करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उससे पहले कहा था कि हम अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। तो सारे विषयों पर बात हुई है और एक लंबी बातचीत हुई है पहले, क्योंकि एक घंटे का वक्त माना जा रहा था, लेकिन आपने देखा कि 20 मिनट के से ज्यादा तो दोनों नेता जो हैं वो कैमरे पर ही बात करते रहे। हालांकि आपको पहले जब भी ऐसी कोई विजिट्स हुई हैं उसकी, उसमें इस ऐसी बातचीत की जो है, जो इनिशियल बातचीत होती है, वेलकमिंग टॉक जब होती है, वो बहुत छोटी सी, छोटा सा हिस्सा उसका जारी किया जाता है। लेकिन आज आपने देखा कि दोनों नेताओं के पास एक दूसरे के लिए कहने को बहुत कुछ था। देवेंद्र पाराशर सीधे व्हाइट हाउस के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डेढ़ घंटे से भी ऊपर की है मुलाकात, और हमने देखा तस्वीरों में देवेंद्र के बहुत ही सहज, बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले और बहुत अच्छा स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो सहजता है और दोनों देशों की नजदीकी, ये आने वाली बातचीत में भी दिखाई देगी। या निश्चित तौर पर सौरभ, आप दोनों नेताओं के जो शुरुआती औपचारिक बयान थे उन बयानों को ही अगर सुने तो गर्मजोशी साफ समझी जा सकती है कि जो बाइडेन भारत को लेकर कितने उत्साहित हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रति जो नजरिया रखते हैं उस नजरिए का कितना सम्मान करते हैं जो बाइडेन या फिर अमेरिकी लोग। तो ये बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआती औपचारिक बातचीत से ही ये बात साफ समझ में आ रही थी, और इसे कहते हैं अंग्रेजी में कि लाउड एंड क्लियर समझ में आ रही थी कि आखिर भारत और अमेरिका का संबंध किस अलग लेवल पर जाने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे के बाद, और जिस बाइडेन प्रशासन के आने के बाद क्या कुछ लोग अंदेशा जताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ विदेश नीति में भारत के नजरिए से कोई बदलाव आएगा, वो दिख रहा है कि भारत और अमेरिका एकदम से साझे पेज पे हैं, चाहे द्विपक्षीय मुद्दे हों, चाहे रीजनल इश्यूज हों, चाहे वैश्विक मुद्दे हों। और निश्चित तौर पर जो एक घंटे की सौरभ बैठक थी, और ये जो एक घंटे का समय मैं आपको बता रहा हूँ वो एक औपचारिक फिक्स टाइम जो था वो एक घंटे का समय फिक्स था, लेकिन उससे भी तकरीबन आधे घंटे लंबी ये बैठक चली है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गर्मजोशी के साथ ये बैठक हुई है और कितने गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। औपचारिक स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा, लेकिन इतना तय माना जा सकता है कि बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसे कहते हैं द्विपक्षीय बातचीत का, उस माहौल में ये बातचीत संपन्न हुई है जहां पर दोनों ही प्रमुख आमने सामने बैठे। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। सौरभ, आपके पीछे अभी भी लग रहा है कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं बड़े उत्साह में हैं इस वक्त भी। जी निश्चित तौर पर सौरभ, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ, और मैं आपको बताऊं कि एक तरफ जो भारत के लोग हैं वो समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट शब्द का मैं इस्तेमाल इस लिहाज से कर रहा हूँ जैसे इस तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे चाइना के भी सौरभ कुछ लोग मिले, और चाइना की एक लड़की मिली जिसने जो होर्डिंग ले रखा था, एक छोटा सा बैनर जो ले रखा था, उस बैनर पर लिखा हुआ था चाइना इज अ लायर, यानी कि चीन झूठा है। और हैरान होकर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से कंट्री से हैं तो उनका जवाब था चीन, और उनके साथ दो तीन और लोग थे वो सारे चीन के थे, और उनका ये कहना था कि चीन झूठा है, दुनिया को चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तुर्कमेनिस्तान वाले लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और इसमें चीन पे नरसंहार का आरोप लगाया जा रहा है। तो व्हाइट हाउस में जैसे ही यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उस स्थिति में चीन के खिलाफ जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर चीन के उस काले पक्ष को पूरी दुनिया के सामने जो उजागर करने की बार बार कोशिश की जाती है ऐसे प्रोटेस्ट के मार्फत, वो भी यहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ जो भारतीय समर्थक हैं वो नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, और बार बार उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद नरेंद्र मोदी का काफिला अगर सामने के हिस्से से जाएगा तो उनको एक झलक देखने को मिल जाएगी। और उसमें मैं हैरान इस बात पर सौरभ हो रहा हूँ कि उसमें यंग लोग भी हैं, उसमें तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो पिछले डेढ़ दो घंटे से यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक यहाँ पर उनको देखने को मिले। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि लंबा ट्रैवल करके आए हैं, और जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस में मीटिंग है तो उस व्हाइट हाउस के सामने वो इकट्ठा हो गए थे। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है न सिर्फ देश में बल्कि इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में जहाँ फैला हुआ है, वो व्यक्ति उनको कनेक्ट करता है अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ, और जब उनसे आप बात करें तो उसमें तमाम उन पर। जी देवेंद्र,
देवेंद्र का देवेंद्र से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा उनसे बात करेंगे। तो देवेंद्र पराशर, आपको बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में अंदर जिस गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात चली है और बाहर भी इस मीटिंग की भनक जैसे जैसे लोगों को मिली, अभी तक तो केवल भारतीय मूल के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन चीन के खिलाफ खास तौर पर जिन लोगों की, जिन देशों की नाराजगी है, चीन के अपने लोगों की नाराजगी है, वो लोग वहां पर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में इसी व्हाइट हाउस में क्वाड की मीटिंग शुरू होने वाली है, यानी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और जापान के प्रधानमंत्री, वो यहां पर मौजूद होंगे और क्वाड समिट शुरू होगा, जिसका सबसे प्रमुख मुद्दा वो है चीन को कैसे कंटेन करना है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और दूसरा जो राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद बताया कि हम क्वाड समिट में अफगानिस्तान की बात भी करेंगे, और जब अफगानिस्तान की बात होगी, तालिबान की बात होगी, तो जाहिर है पाकिस्तान की बात भी होगी। तो एक बार फिर हम देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब ये मीटिंग आपने 1.5 घंटा चली है, अब बहुत ज्यादा समय, अब मुझे नहीं लग रहा कि अब क्वाड समिट में भी बचा है, तो प्रधानमंत्री फिर अब वापस आएंगे एक बार दोबारा व्हाइट हाउस। तकरीबन 120 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग, बिल्कुल सारा बहुत, तकरीबन 1.5 घंटे बाद, मतलब जो 12 बजे तक पहले द्विपक्षीय बातचीत होनी थी और फिर 2 बजे से क्वाड की बैठक शुरू होनी थी, तो अब से तकरीबन 1.5 घंटे का समय रहेगा। हालांकि क्वाड की बैठक को लेके, क्योंकि 4 प्रमुखों को यहाँ पे शामिल होना है, जिनमें से 3 प्रमुखों को आना है, तो टाइम के बारे में हमें ये बताया गया था कि हो सकता है कि थोड़ा फ्लूइड सिचुएशन रखा जाए, लेकिन 2 बजे का समय मुकर्रर है। और यहाँ स्थानीय समय की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका के समय की, तो तकरीबन अब से 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा आएंगे, वो बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित क्वाड की बैठक, जिसको लेकर पूरी दुनिया पे चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जैसे इस तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा चाइना के लोग भी, जो कि क्वाड की बैठक के संदर्भ में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और वो लोग चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि तुर्कमेनिस्तान में चीन के ऊपर आरोप लगा है, समझ में आ रहा है। चीन के लोग खुद, जो चीनी सिटीजन हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन झूठा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना झूठी है, और इस पर दुनिया को विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर व्हाइट हाउस में वो इसलिए आए हुए हैं कि उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बाइडेन हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हैं, तो ऐसे में हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर क्वाड का जो पर्पस है, उसमें से उस पर्पस का एक पहलू ये है कि जो चीनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश, उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सौरभ जी, और देखिए, इस क्वाड की समिट से और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग से जो दो देश सबसे ज्यादा परेशान हुए, दोनों ने रिएक्ट भी किया। चीन ने पहले इस क्वाड समिट से पहले प्रतिक्रिया देकर के ये कहा कि दुनिया कभी क्वाड के इन देशों के मिलने को कभी मान्यता नहीं देगा, इस संगठन को कभी मान्यता नहीं देगा। और पाकिस्तान के लोगों से, आज हम कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आपको क्या लगता है कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को देखते हुए अमेरिका कभी क्या मुँह मोड़ सकता है पाकिस्तान से? अभी तो उनके विदेश मंत्री ने तारीफ की है जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में मदद की, तो उनको अभी भी ये लगता है कि शायद अमेरिका अब सच्चाई से अब भी आंखें चुराएगा और पाकिस्तान का जो असल रूप है वो नहीं देखेगा। अब देखिए, जो पाकिस्तान के ऐसे लोग, सर, जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनमें सिर्फ एक समस्या रहती है कि वो इस बात को नहीं समझते कि पाकिस्तान से किसी को दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान आतंकवाद का जो प्रायोजन करता है उससे दुश्मनी है। अगर भारत के संदर्भ में भी, अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें, तो अगर आतंकवाद पाकिस्तान छोड़ दे, तो फिर भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई इशू नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सके। उस लिहाज से अमेरिका के साथ भी जो पाकिस्तान का रिश्ता है, जैसे अमेरिका ने अगर कुछ तारीफ की, तो उसको उसी संदर्भ में सौरभ देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कोई समस्या सिर्फ वहाँ पर आती है जब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का स्पॉन्सर बन जाता है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग आतंकवाद को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, न सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, बल्कि एक्चुअली ग्राउंड पर माहौल ख़राब करने के लिए समस्या वहाँ पर आती है। और वहाँ पर पाकिस्तान निश्चित तौर पर अलग थलग पड़ता हुआ नज़र पहले से आ रहा है, और उसमें दिनों दिन उस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और यह खुद आप पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को आप देखें, तो उनके तरफ से जिस प्रकार से सफाई देने की कोशिश की जाती है, FATF की जब बैठकों का सिलसिला शुरू होता है या दूसरे मसलों पर, तो उससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त दबाव है, और ये दबाव तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की जो उसकी पॉलिसी है उसे ना छोड़ दे। तो ऐसे में बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई है, क्योंकि हमें इंतजार रहेगा उस बातचीत का कि उसमें क्या हमें टेक्स्ट बताया जा रहा है, क्या कंटेंट बताया जा रहा है, कि आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक प्रमुख इशू रहा होगा इस बातचीत में, और उसमें
भारत और अमेरिका दोनों ही एक पेस पर रहे हैं और एक घंटे की बैठक, और ये बैठकें सौरभ आमतौर पर फिक्स टाइम के टाइम फ्रेम में होती है। एक घंटे की बैठक डेढ़ घंटे तक चले, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मजोशी जो बयानों में दिख रही है, औपचारिक बयानों में, वो निश्चित तौर पर मुद्दों में भी रही होगी। सौरभ बने रही है हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। और फिलहाल हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई, जो कैमरे पर बातचीत हुई, उसका हिस्सा सुनाते हैं। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2016 में, 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था, और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूं, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। एक्सलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरे दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा है और अधिक बढ़ेगा। उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया कि 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहां अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है, पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा, और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती जानी जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारे टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है, और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं, तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया, महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे, ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लैनेट के हम ट्रस्टी हैं, और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लैनेट को हमने सुदृढ़ करना होगा, और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा, और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। राष्ट्रपति जी जैसे विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। यह आपने प्रधानमंत्री मोदी के रिमार्क्स सुने जो उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कितनी गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।